गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 61 है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 14 सितंबर की वर्कशीट है। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नोट दिख रहे हैं, तो चलिए इन नोट के बारे में पढ़ते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परम्पराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। विरासत पुरानी पीढ़ियों के लिए एक उपहार। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। अभी आपको भारतीय मुद्रा नोट दिख रही है, या आपको नीचे भी दिख रही है, आप देख सकते हैं। इनका निरीक्षण करें, यानी इन्हें देख के इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अब ये जो नोट बने हैं वो कौन से राज्य से, और इन पे जो छपा है ना वो क्या है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर वर्कशीट लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा 100 रुपये का नोट। 100 रुपये के नोट पर ये जो बना होता है वो रानी की बाव, वो जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है। तो आपको नोट बनाने हैं तो बना लीजिए, और नहीं बनाना तो आप नकली नोट दुकान पर होते हैं वो भी खरीद सकते हैं और चिपका सकते हैं रानी की बाव। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारा 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं बनी रहती हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आगे देखते हैं। इसके थर्ड है हमारा 200 रुपये का नोट, जो सांची स्तूप में बना है। आप देख सकते हैं ये सांची स्तूप है और ये असली का। ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव सांची है। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पिक्चर है हमारी 10 रुपये की नोट, जो जिसमें सूर्य मंदिर छपा है। ये सूर्य मंदिर आप देख सकते हैं, ये सूर्य मंदिर के आप देख सकते हैं ये चीज़। ये भारत के उड़ीसा राज्य के पूरी जिले में स्थित है। चलिए अगला नोट देखते हैं। अगला नोट है हमारा 50 रुपये, 50 रुपये का। देख सकते हैं आप 50 रुपये जो ये व्हील सा बना है, ये येरा, और ये कर्नाटक का हम्पी है आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 500 रुपये के नोट पे, और ये 500 रुपये का नोट है, और ये हमारा लास्ट नोट है जिसपे लाल किला छपा है और वो दिल्ली में है। और ये हमारा यहाँ तक कम्प्लीट होता है। तो चलिए अब हम वर्कशीट पर चलते हैं। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन हमारा कम्प्लीट होता है। वर्कशीट का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में लिखें। अब आपने जितने भी ये छेद के देखे नोट और इनके जगह देखी, तो आपने जहाँ भी गए उसका ले रहे हैं। तो मैं लाल किला गई हूँ, तो आप लाल किले के बारे में लिख सकते हैं कि लाल किला कब बना था, कैसे बना था, और आपने क्या क्या वहाँ पर देखा, अनुभव करा, वो आप लिख सकते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन लिखाऊंगी, क्योंकि इसको अपने अनुभव के बारे में लिखना, तो आपका जैसा अनुभव है आपको वैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय, वहाँ गए हैं। वहाँ प्रदर्शित कौन सी वस्तु, ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। तो हाँ, मैं नई दिल्ली, तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय देश का सबसे संग्रहालयों में से एक है। सन 1939 में दिल्ली में स्थापित इस संग्रहालय में कई प्रकार की रोचक चीज़ें प्रदर्शित हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत ये मौलाना आजाद रोड और जनपद के किनारे पर स्थित है, और इसमें प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शित किया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कम्प्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया हमें, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखिए। अब आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे छोटा या बड़ा स्मारक या ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। तो मेरे घर के पास कुतुब मीनार स्थित है, तो मैं आपको इसका आंसर लिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है, हाँ, हमारे घर के निकट कुतुब मीनार ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि महरौली में स्थित है और जो 7.2 किलोमीटर लंबा है। तो ये हमारा कुतुब मीनार के मैंने बारे में भी लिख दिया, और जहाँ हम रहते हैं उसका बता दिया। अगर आपका कोई और है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ गए हम।
और ये हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया। अब आपके जो पूर्वजों द्वारा उपयोग किए गए चीज़ है वो आपके घर में रखा है? तो हाँ, मेरे घर में रखा है। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, हाँ मेरे घर में एक ऐसी वस्तु है जिसे हमने संभाल कर रखा है जो हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग की गई है, वह है तलवार। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीट होता है। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट कम्प्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।